कक्षा 12वीं भौतिक मैं आरएस प्रशासक आज आप लोगों को विद्युत धारा का भाग एक कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यह है उदाहरण, तांबे के एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये ए दिया हुआ है, ए बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। पहले इसको हम बदलेंगे मीटर, मीटर स्क्वायर में बदलना है इसको, तो 1 × 10⁻⁶ हो जाएगा। ये मिलीमीटर में 10⁻⁶ होता है 1 मिलीमीटर, जो होता है वो 10⁻³ के बराबर होता है, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसके बाद क्या है, इसके एकांक घन सेंटीमीटर, ध्यान रखना एकांक घन सेंटीमीटर की बात कर रहा है। मेरे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये दी हुई है, यानी एन दिया है, ये कितना 8.4 × 10⁻²। लेकिन ये क्या है, प्रति एकांक घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों ध्यान रखना ये घन मीटर में होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.4 × 10⁻², है कितने गुणा करनी पड़ेगी हमें, घन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से और लेनी पड़ेगी हमें, तो 10⁻² और हो जाएगा प्रति घन, 2 नहीं आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा, 2 × 2 × 2 यानी 6 आना चाहिए, तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 करेंगे आप घन मीटर में। चलिए इसको सही कर लीजिए, तो 8.4 × 10⁻² कितना हो गया, 28 प्रति घन मीटर। ऊपर भी आ गया आपका मीटर में, नीचे भी आ गया, ये एन इस तरह से हो गया है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं जरा, यदि इसमें 1.344 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब आई का मान दे रखा है 1.344 एम्पीयर, ये विद्युत धारा दे रही, तो उसके अनुगमन वेग की गणना करनी, यानी वीडी की मान की गणना करनी, तो सूत्र होता है आई बराबर एन ई ए बी डी, आई बराबर एन ई ए बी डी होता है, इससे हमें वीडी का मान निकालना है, तो वीडी बराबर जाएगा कितना, आई बटे सब आ जाएगा, यानी आई बटे जाएगा ये एन ई, ये सारा कुछ हो जाएगा एन ई ए करके हम इसको निकाल लेंगे। अब क्या होगा, इसमें ई का मान और नहीं पता है आपको, तो ई का मान इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। चलिए ये मान रख लेते हैं, तो आई का मान आपको पता है, आई का मान कितना है 1.344 और बटे में एन का मान अभी आपने निकाला है, ये है 8.4 × 10⁻²⁸ और गुणा में नीचे ई का मान है 1.6 × 10⁻¹⁹ और बच गया आपका ए का मान, ए का मान आप निकाल चुके हो कितना है 1 × 10⁻⁶ है। अब इसको हल करना है, हल तो आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, यह रहेगा सारे कर जाते हैं वाले टर्म जो है, ये 10⁻² आ जाएगा, कितना आएगा ये माइनस का 4 आ जाएगा और मीटर प्रति सेकंड का आपको, यही आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं कि प्रतिरोध निकालने वाले ये अगर कलर कोड दिया हुआ तो कैसे हम प्रतिरोध निकालेंगे, तो इसके लिए पहले कलर कोड याद होना चाहिए, जैसे काला है काले का 0 होता है, इसके बाद भूरा है भूरे का 1 होता है, फिर 2 होता है, चांदाल का, फिर नारंगी का, 3 पीले का, 4 हरे का, 5 होता है, नीले का 6 होता है, बैगनी का 7 होता है, स्फूर्ति का 8 होता है, सफेद 9 होता है और सुनहरा कलर जो होता है वो 5% टोटल सीमा में आता है, चांदी भी 10% टोटल सीमा में आता है, कोई रंग नहीं होता है तो 20% का टोटल सीमा में आता है, इस तरह से हमें निकालना। अब यहाँ पर जो है लाल रंग का ये दिया हुआ है, ये पहले वाला कलर लाल रंग का है, दूसरे वाला कलर भी लाल रंग का है, तीसरा कलर भी लाल है और लास्ट में ये जो चौथा कलर है ये चांदी का रखा है। तो देखो हम प्रतिरोध को निकालेंगे कैसे, यहाँ प्रतिरोध लिख लेंगे, प्रतिरोध तो हमें देखना क्या है, पहले लाल रंग दिया हुआ है तो
तो रंगों को लिख करके भी आप कर सकते हो, पहले रंग लिख करके अपना जितना दिखाना चाहो उसको दिखा सकते हो और इनके कोड को पहले लिख सकते हो। कोड जब लिख जाएगा तभी जाकर के आपको समझ में आएगा, इससे पहले नहीं समझ में आता। तो देखते हैं कोड के लिए क्या क्या करना पड़ता है हमें। लाल रंग जो है वो दो है, देखिए पहले क्या है लाल मैं पर कोड के लिए पहले लिख दे रहा हूँ। लाल है पहला, पहला कलर लाल है, दूसरा भी लाल है, तीसरा भी लाल है और बाकी है चांदी कलर। अब इनसे देखो कैसे निकलता है। तो लाल का होता है दो, ये दिया हुआ देखो यहाँ पर, दूसरे वाले लाल का भी दो ही होगा और इसके बाद जो है तीसरे वाला लाल जो है ये इसका जो है 10^2 होता है, तो 10^2 हो गया। और चांदी जो होता है ये प्लस माइनस देखो यहाँ पे कितना दिया है चांदी का, ये 10% दिया गया है, तो ये 10% हो जाएगा। ये आपको 10% कर सकते हो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका 22, ऊपर जो हो गया 22 हो गया और ये 2 0 और जाएगा तो 22 हो गया और 2 0 और बता दीजिए तो 2200 हो गया और प्लस माइनस 10% और आएगा इतने। यदि इसको बदलना चाहते हो दशमलव में तो 2.2 × 10^3 कितना जाएगा 1 2 3 हो गया, तो पावर यहाँ 3 हो जाएगी और प्लस माइनस 10% भी ले सकते हो, ये फॉर्म हो जाएगा और यही आपका। चलिए एक और प्रश्न को हल करके देखते हैं। ये एक और प्रश्न प्रतिरोध निकालना चाह रहे हैं हम, तो प्रतिरोध है ये, प्रतिरोध लिख लीजिए प्रतिरोध और इसमें रंग लिख लीजिए पहले क्या क्या है। पहले लाल है, फिर दूसरा कलर है बैगनी, फिर तीसरा कलर है भूरा और चौथा कलर है सुनहरा कलर है, ये सुनहरी यानी गोल्डन हो गया। तो लाल में देखिए कितना रंग दिया हुआ है, लाल आपको दिया हुआ है, ये दो कलर है इसका, दो है तो ये बैगनी का दे दो कितना है, बैगनी का कलर ये दिखाई दे रहा है 7 रंग का है, तो ये 7 लिख लीजिए यहाँ। भूरे का देखिए कितना है, पूरा भूरा पूरा भूरा पूरा ये रंग का 1 है, तो यहाँ पर 1 ही लिखिए। तो ये 1 जो आता है ये 10^2 में आता है, 10^1 हो जाएगा। सुनहरा के लिए कितना है, ये रहा गोल्डन, ये आपका 5% है या प्लस माइनस 5%, ये वास्तव में कितना हो जाएगा 2 7 0 और प्लस माइनस 5% हो जाएगा, कितने ओम आ जाएगा। इसको दशमलव में भी बदलने की जरूरत नहीं होती है, यही आंसर हो जाएगा छोटा सा। एक चालक तार की लंबाई 1.1 मीटर है, यानी कि ये L दिया हुआ है आपका, कितना है 1.1 मीटर। त्रिज्या जो है वो 0.1 मीटर है, यानी R का मान दिया हुआ है 0.1 मीटर। यदि तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, यानी ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान दिया है, लो का मान दिया है कितना 4.9 × 10^-7 इकाई इसकी ओम मीटर होती है, ध्यान रखना बच्चों बहुत खुशी आती है इकाई ओम मीटर याद करना हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करिए, मतलब आर ज्ञात करना है। तो आर ज्ञात करने के लिए सूत्र जो लगता है वो तो देख लेते हैं, आर बराबर होता है 2L/A और 2L ए तो दिया नहीं है, तो ए को निकालने के लिए πr² का सहारा लेंगे। तो रो का मान दिया हुआ है कितना, ये दिया है 4.9 × 10^-7 है और लंबाई L का मान कितना दिया है, ये 1.1 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 रखना है तो 22/7 रख लीजिए और गुणा r² है तो r है आपका 0.1 इसका स्क्वायर। चलिए इसको हल कर लेते हैं, हल करने पे कितना आएगा देखते हैं r का मान। हल करने पे ये 17.15 आएगा, ये हल कर लेना आप लोग आसान से, हल कर लेने कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे पूछ रहा है यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि विभवांतर का मान दिया कितना 171.50 वोल्ट, ये विभवांतर दिया हुआ है, पहले वाला एक आंसर आ चुका है आपका, तो उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, धारा का मान पूछता है। तो V बराबर IR होता है, तो I बराबर कितना हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो मान डाल लेते हैं V का मान कितना है 171.50 है, R का मान है 17.15। अब ये आपको दशमलव हटानी है, दशमलव हटा दीजिए
कितना आ जाएगा, ये कट के जो है 10 बार जाएगा पूरा का पूरा, तो ये 10 आ गया, तो i का मान कितना आ गया 10। मात्रक लिखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो मात्रक के नंबर काट दिए जाएंगे आपके, तो ये आपके आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े गए, तो चलिए देखते हैं, ये लगा लेते हैं हम जिस श्रेणी क्रम में, 1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस, चलिए देखते हैं क्या हो गया। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, तो ये मैंने 6 वोल्ट की बैटरी बना दी है, जोड़ दिया है, घंटी भी लगा दी थी आपको। ये तो था 1 ओम का, ये कितना था 2 ओम का था, ये कितना है 3 ओम है, और ये बैटरी जो लगाई गई है ये 6 वोल्ट, चलिए लगा दी गई। तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी, यानी कि ये धारा का मान निकालना है, इसमें आई का मान निकालना, यानी ये कितनी धारा आई बह रही है, तो तीनों प्रतिरोध में एक ही धारा बहेगी, तो तीनों का तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो ये आपका पहला प्रतिरोध हो गया R1, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया R2 और ये तीसरा प्रतिरोध है R3। तो श्रेणी क्रम में लगे हैं क्योंकि तीनों प्रतिरोध कैसे क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R जो है कैसे लिया जाएगा, R बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 प्लस R3 लिया जाएगा। R1 का मान देखिए कितना है 1 ओम है, R2 का मान 2 ओम है, R3 का मान 3 ओम है, तो R कितना हो गया 3 और 3 6 ओम हो गया। अब धारा निकालना है, तो V तो दिया हुआ है आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है, तो V बराबर होता है IR, तो I निकल जाएगी, तो I बराबर कितना हो जाएगा V बटे R हो जाएगा। V कितना है हमारे पास 6 वोल्ट है, R कितना निकाला 6, तो कुल कटाकर 1 एम्पियर धारा बहेगी, यही आपका उत्तर है। तीन ओम, 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए, पहले इनको जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में। तो पहला प्रतिरोध तो ये 1 लगा हुआ है, ये है आपका 3 ओम का, R1 ले लेते हैं। इसके बाद दूसरा प्रतिरोध यहाँ लगा हुआ है, इसको भी लिख लेते हैं कितने ओम का है, ये 4 ओम का, तो 4 ओम है लेकिन ये 8। इसके बाद तीसरा प्रतिरोध भी लिख लेते हैं, ये आपका R3 है, कितने ओम का है ये 6 ओम। अब ये सारे प्रतिरोध जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, यानी इनको सबको एक जगह जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया, जल्दी जोड़ दीजिए इसको, और ये जुड़ गया 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल, यानी पूरा संयोजन जो है 2 वोल्ट के विद्युत वाहक बल से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये आपको बैटरी जो दी हुई है ये 2 वोल्ट की, और 2/3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, यानी यहाँ पे जो आंतरिक प्रतिरोध लिया हुआ है ये आपका 2/3 ओम का है, यानी ये स्मॉल आर का, चलिए अच्छी बात है, तो इसको जोड़ दीजिए यहाँ से। अब जो है हमारा ये ई का सूत्र हो गया है, विद्युत वाहक बल है ये ई, तो देखते हैं हम यहाँ लिखेंगे R1 R2 व R, कैसे क्रम में है समांतर क्रम, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो 1/R बराबर जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, चलिए मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 1/3 है प्लस 1/4 है प्लस 1/6 है, लघुत्तम लेंगे तो 12 आ जाएगा, लघुत्तम तो 12 ले लीजिए, तो 3 4 12, 4 3 12, 6 2 12, तो कितना हो गया 4 3 7 और 2 9, 9/12 आ गया, ये 1/r का मान है 3 3 9, 3 4 12, तो r का मान जो आ गया वो 4/3 ओम आ गया। अब हमें जो मान निकालना है वो सेल से ली गई धारा का मान,
तो पहले हमें आई बताना है, तो आई का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। चलिए मान रख लेते हैं, तो आई बराबर ई का मान देखिए कितना है, 2 वोल्ट दिया हुआ है। स्मॉल आर का मान कितना है, 2/3 है, और कैपिटल आर का मान है 4/3। चलिए इसको हल करना है, तो हल करने के लिए यहां पहुंच जाते हैं हम, तो 2 है और बटे में देखो 2/3 और 4/3 ये 6/3 जाएगा, तो 6/3 को काटेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 2 से ये भी 2 कट जाएगा, तो आई का मान जो आ जाएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। इसकी यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है बच्चों, बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा। तो आई तो 1 एम्पियर आ गया, यानी ये करंट पूरी पूछी गई थी, आई बराबर 1 एम्पियर। चलिए ठीक है, अब ये कहना है सेल से ली गई धारा तथा 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा का मान। 3 ओम कहाँ हो गया ये देखते हैं, 3 ओम ये ऊपर वाला सबसे ऊपर, इसमें जो है धारा आई बन रहा है। इस आई वन के मान को अब निकालना है हमें, कितने एम्पीयर की विद्युत धारा बहेगी। तो पहले हम पहले वोल्टेज निकाल लेते हैं V=IR से, इनमें वास्तव में कितनी वोल्टेज की जरूरत लगी हुई है, तो पहले V का सूत्र लगा लीजिए तब निकालें। तो V बराबर होता है हमारे पास IR, तो I कितना है हमारे पास, I अभी निकल गया था 1 एम्पियर है, और R अभी निकाला था हमने कितना है 4/3 का, तो 4/3 ये V हो जाएगा, कितने वोल्ट आ जाएगा, यानी कितना आ गया ये V बराबर 4/3 वोल्ट हो गया। अब I1 निकालना है, तो I1 बराबर जाएगा V अपॉन R1, तो V कितना है हमारे पास 4/3 है, और बटे में 3 और आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के 4/9 एम्पियर आएगा। ये इसमें विद्युत धारा है, यही आपका आंसर है। जब 2 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो विभव माप में संतुलन बिंदु 8 मीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें मानने पड़ेंगे, तो मान लीजिए माना दोनों सेलों के विद्युत वाहक पर E1 व E2। चलिए मान लिया, तो संतुलन बिंदु 8 मीटर की दूरी को प्राप्त हो रहा था, तो पहले हमने दोनों को श्रेणी क्रम में लगा लिया, यानी E1+E2 लगा लिया, तो कितना होता है फॉर्मूला, KL होता है सूत्र, कि जो वास्तव में सूत्र होता है E=KL का सूत्र होता है, तो हम इस सूत्र का अनुपालन करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये तो K हो गया, L और सूत्र देखते हैं क्या होगा, ये E1+E2 का मान क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन L पता है, L 8 मीटर की दूरी पर, देखो ये पहले कहा है इन्होंने 8 मीटर, तो ये 8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब कह रहे हैं जब एक सेल के ध्रुव को पलट कर जोड़ा जाता है, अब ध्रुव पलट गया तो माइनस हो जाएगा दूसरे वाला, E1-E2 बराबर कितना हो जाएगा K × ये जो है संतुलन कितने पर प्राप्त हो रहा है 2 मीटर पे, तो ये KL की जगह 2 मीटर हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2। उनके विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या है, यानी कितना अनुपात बताना है, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर भाग दीजिए कितना आ जाएगा, ये E1+E2 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा E1-2 बराबर कितना हो जाएगा, ये A हो गया गुना 8 हो गया, और K यहाँ आ गया, बटे 2 आ गया, K से K कट जाएगा और 2 + 8 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसकी ब्रज गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा E1+E2 बराबर 4E1 हो गया, और माइनस का 4E2 हो जाएगा। चलिए E1 को इधर भेज दीजिए, E2 को इधर भेज दीजिए, ये तो हो गया 4E2 प्लस का हो जाएगा इधर, और प्लस का E2 पहले से है, यहाँ 4E1 है, और ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1E1 हो जाएगा, तो देखते हैं कितना जाएगा, ये तो हो गया 5E2 बराबर कितना हो गया 3E1 हो गया। तो हमें निकालना है E1/E2 का मान, तो देखो E1/E2 मतलब क्या हुआ, E1 तो यही रहेगा, 3 निकल जाएगा, तो 5/3 हो जाएगा, यही हमें आंसर बताना था, दोनों का अनुपात क्या हो गया, यानी E1/E2 का मान कितना हो गया 5/3 हो गया, और यही हमारा आंसर होगा।
एक तार में 10 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, यानी टी का मान जो दिया है वो 10 मिनट दिया हुआ है, तो इस मिनट में बदलना है सेकंड में, कितना हो जाएगा 10 × 60 सेकंड, तो कुल मिलाकर के ये 600 सेकंड हो जाएगा। तो ये टी का मान आ गया, कूलम दे रखा कितना दे रखा है इन्होंने 30 कूलम, ये दिया हुआ 30 कूलम, आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान बताना है, यानी आई बताना है, आई बराबर होता है क्यू बटे टी। अब इसमें मान रखना है तो क्या हो जाएगा, क्यू का मान जो है वो 30 है और टी का मान जो है वो 600 है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 × 3 3 × 2 = 6 यानी 1/20 एम्पियर। इसको दशमलव में भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है बिंदु ए से बी की ओर 10^-3 सेकंड में, यानी टी दिया हुआ है 10^-3 सेकंड में 10^9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, यानी एन दे रखा 10^9 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, विद्युत धारा का मान एवं दिशा बताइए। तो आई निकालना है, तो आई बराबर होता है क्यू बटे टी, क्यू का मान होता है एन टी, तो यहाँ क्यू बराबर एन टी का भी सूत्र लगा दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा एन क्यू बटे टी हो जाएगा। अब मान रखना है एन का मान कितना है 10^9 है, टी का मान है 1/6 × 10^-19 और टी का मान आपके सामने है 10^-3। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 1.6 तो रहेगा, केवल पावर ही बदलेगी, तो माइनस का ये 3 है ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 9 और 3 = 12 हो जाएगा, 12 और ये जाएंगे तो 7 बच जाएगा, तो माइनस का 7 एम्पियर। ये इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत चलेंगे, क्या लिखना है इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा। यही आपका आंसर। चलिए एक और देखते हैं प्रश्न, जरा 5 ओम प्रतिरोध के एक तार में 3 एम्पीयर की धारा है, तो आर दे रखा है कितना 5 ओम दिया हुआ है और 3 एम्पीयर की धारा है, यानी आई का मान दिया है 3 एम्पीयर, 4 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, यानी टी का मान दिया है 4 मिनट, तो ये मिनट को तो हमेशा सेकंड में बदलना है बच्चों, ध्यान रखना है, तो 4 × 60 सेकंड हो जाए। करिए किसी परिच्छेद से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, तो एन बताना है, सूत्र मैंने अभी बता ही दिया था, जैसे क्यू बराबर एन टी होता है और आई बराबर होता है क्यू बटे टी, तो आई का मान रख दीजिए तो एन टी बटे टी हो जाएगा, क्यू का मान रखा गया तो यहां से एन निकल के आएगा, कितना आ जाएगा आई टी बटे में एन ई है, तो यहां पर आ जाएगा आपका ई। चलिए इसमें मान रख देते हैं, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, आई का मान कितना है देखो बच्चों 3 है और t का मान कितना आया था 4 × 60 है, 4 × 60 कर दीजिए और बटे e का मान जो है 1.6 × 10⁻¹¹। अब क्या करना है, दशमलव बटाना है, ऊपर एक जीरो बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 4 × 16 और 2 × 4 और 2 × 3 = 6 जीरो हो गया, फिर और काट दीजिए 2 से काटिए इसको 15 × 30 हो जाएगा, तो 15 × 3 = 45 हो गया, 15 × 3 = 45 और एक जीरो और है और × 10^9 ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। अब सही कर दीजिए 4.5 × 10^9 को और जोड़ दीजिए तो 1921 हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यही आपका आंसर है। आज की वीडियो में मतलब तो यहीं तक है, फिर अगले वीडियो में मिलूंगा आपको कुछ और अंकित प्रश्नों के साथ। इसी के साथ नीचे जो है लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और मेरे वीडियो को कम से कम लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप लोग अपना काम भी पूरा कर रहे हो या नहीं और आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ।